हमारे पास आज की गाड़ी जो कि जैपनीज है, निसान सनी, और ये कहलाती है 13B, और ये है बेसिकली बड़े भाई की गाड़ी और ये रिस्टोर कर रहे थे भाई हम लोग। तो मैंने तो बोला था भाई फुल मॉडिफाई कर लो, भाई ने बोला पागल हो गया कि रिस्टोर करेंगे, गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में उठाइए। तो वेलकम बैक टू कार रिव्यूज बाय अफान अहमद, और भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट, बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब इसको हम छेड़ेंगे और पंगा लेंगे। और भाई बताएं क्या पंगा लिया हमने इसका? हमने पंगा लिया है इसका सबसे पहले तो डेंटिंग का पंगा लिया है। ओके, कि ये डेंटिंग के अंदर थोड़ा सा अफान करीब आएंगे तो दिखाएंगे, ये नीचे से रस्टेड थी, ये एक पायदान रस्टेड है, एक थोड़ा सा यहाँ से रस्टेड है, कुछ वो हिस्सा रस्टेड है, और कुछ ये छत का हिस्सा जो शीशे के पास होता है ये रस्टेड है। तो हम इसको लेके चल रहे हैं, और बाकी गाड़ी आप 100% जो है ओरिजिनल रहेगी। आप देख सकते हैं इसके डामर ओरिजिनल है, इसके लॉक, इसकी ये सारी चीज़ें, इसकी अपनी सीट बेल्ट है ओरिजिनल है, अभी तक ओरिजिनल है। इवन के इसके जो आपके इलेक्ट्रिक डोर स्विचेस आते हैं वो तक ओरिजिनल है। क्या कह रहा हूँ, इतनी ओरिजिनल गाड़ी कहाँ से मिली, कहाँ से आपको ये गाड़ी? यार ये ढूंढने से मिलती है बेटा। और तो पैसे कितने, खर्चा कितना आ रहा है अभी बताते हैं, इस पे खर्चा कितना गया। ये तकरीबन हमें 5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी थी, और अभी इस पे तकरीबन 2-2.10 या पैक होते होते पता चलेगा। ये कितने परसेंट फिर ओरिजिनल रह जाएगी गाड़ी? ये गाड़ी तकरीबन उसके बाद भी ये जो डेंटिंग का काम है सिर्फ यही हो रहा है, बाकी इंटीरियर के अंदर जो इसके सीट कवर है वो तक ओरिजिनल है। सबसे पहली तो बात वो भी अभी दिखाएंगे, हम बात करेंगे। वो सीट कवर यहाँ मौजूद नहीं है, वो खोल के गए हैं, वॉश होने के लिए सीट के को करवा रहे हैं इंटीरियर को। अच्छा, मजे की बात इस गाड़ी में, सबसे मजे की बात ये कि ये रिटिक मिरर है इसमें। ओके, ठीक है, ओरिजिनल रिटिक मिरर है इसमें, मैरून इंटीरियर है, टिंटेड ग्लासेस हैं इसके ओरिजिनल। ये देखिए आप, ग्लास के ऊपर अफान थोड़ा सा मारे हुए हैं। अभी भी जो कंडीशन है ना भाई, नो डाउट एक लकीर है, बहुत सेक्सी है। और उसके अलावा ये आपका फ्रंट शीशा जो है टिंटेड है भाई, बैक भी टिंटेड है, चारों पांचों छह ग्लासेस टिंटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम सिर्फ शावर हुई है। और आप देखें लेयर ऑफ जो काम है ये देख रहे हैं आप, विदाउट पॉलीकेट, ये विदाउट पॉलीकेट है। थोड़ा सा यहाँ किसी ने पॉलीकेट भरा हुआ था तो ये हम पूरा स्क्रैप कर रहे हैं, उसको उठाएंगे। और इसका डिग्गी का कारपेट ओरिजिनल है, इसका अपना तो दिखाया अंदर से, इसका डुअल एग्जॉस्ट है नहीं, ये हमने अभी मफलर लगाया है, उनकी गई हुई थी तो हमने थोड़ा सा आपके कहने पे मॉडिफाई कर लिया। इवन ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये कंपनी के लेचेस, और ये देखें ये वायरिंग की जो ग्रिपिंग है वो भी कंपनी की हुई हुई है। सही, ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं, वायरिंग भी अभी तक कंपनी की, कंपनी ही वायरिंग है, वायरिंग भी नहीं छिड़ी हुई। अच्छा, इसमें मजे की चीज आती है एक, ये देख लें, ये देखें राहुल भाई, जिसके पास भी थी ना ये, उन्होंने बोला था कि मैंने आज 10 साल रखी है, 6 लाख की ली थी और 1500 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं किया। तो मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि डेंटरों, पेंटरों, मैकेनिक और दूसरों के हाथों लग जाए जिसे काम नहीं आता तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल, अभी भी आप देख रहे हैं काम हो रहा है, तो कोई चीज ओरिजिनल जो है वो छेड़ी नहीं जा रही भाई। तो ये सीन है, गाड़ी होती है फिर खानदानी जो आप लेते हो ना, और उसको जब आप रिस्टोर करते हो तो उसका मजा ही अलग आता है। तो और क्या दिखा रहे थे वैसे? अब ये आप देख रहे हो, ये इसका ECU कार्ड है। अच्छा, इंजन की कंडीशन कैसी है? अभी मैं आपके इंजन की तरफ ले जाऊंगा और ECU कार्ड के बारे में बताऊंगा, तो आप बड़े शॉकिंग होंगे, क्योंकि 91 का मॉडल है। और आप खड़े इस वक्त जहाँ भी, तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस थी जापान में। अभी ये हमें मिला है खोलने में, इसके आगे की क्या सिस्टम है वो समझ में नहीं आ रहा, अभी हमने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। इसके अंदर जब आप ये स्विच ऑन करके या पार्किंग लाइट्स खोल के जब आप गेट बाहर निकलते हैं तो ये आपको बीप देना शुरू करती है। अच्छा, ये देखिए, ये अभी तक पार्किंग, इसके रिट्रैक्ट मिरर जो है, सॉरी पार्किंग रिट्रैक्ट मिरर की सिस्टम सारा वर्किंग में। पावर विंडो है, ये पावर विंडो है, पावर विंडो है। अच्छा, पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है ये भी। अच्छा वैद भाई, इसका इंजन पे आते हैं, इंजन का बताएं, इसका क्या सीन है इंजन का? ये इंजन है 1300 सीसी। ओके, ठीक है, ट्विन केम है, 16 वॉल है। अच्छा, इसके अंदर बड़े मजे की एक चीज ये, जो पाकिस्तान में उस वक्त मैकेनिक नहीं समझ सकते थे, क्योंकि अक्सर अभी भी नहीं समझ पा रहे क्या इलेक्ट्रिशियन, मैंने आपको ECU कार्ड दिखाया था, मगर इसमें थ्रॉटल बॉडी नहीं है, इसके अंदर जो है कार्बोरेटर है। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी EFI से पहले की। इसका ओरिजिनल जो माइलेज बताती है कंपनी 14 बताती है 1 लीटर में। निसान सनी मशहूर ही अपने एवरेज पे दुनिया में। तो ये बेसिकली कंप्यूटराइज कार्बोरेटर है, जो कि मुझे अब मैकेनिक और सारे कह रहे हैं कि इसको चेंज कर दो। और मैं पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को उठाए हुए, मैं इसी बहस में लगाऊंगा, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, इसी पे ऑन करूंगा। तो अब क्या हल निकला इसका? अब हल ये निकला, पहले हमें ये नहीं पता था ECU कार्ड क्या है इसका। जब हमने गाड़ी खोली तो ECU कार्ड नजर आ गया। पहले कार्ड मिल रहा था शेरशाह में, मत इसकी वायरिंग नहीं मिल रही थी, मगर वायरिंग इसमें ओरिजिनल है जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अब ये इसके ऊपर मैं चलूंगा और इसको इंशाल्लाह इसी के कार्पेटर को ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई ये तो बड़ी बेहतरीन है, टास्क आया था हमारे पास, जैसे वो बेहतरीन आपको बताया। आप ये देखें और भी चीजें दिखाएं, क्या है भाई दिखाएं। ये आप ओरिजिनलिटी देखें इसकी, कुछ चीजें ये थोड़ा सा मिट गया है, बफ हो गया है, जो भी हो गया। इसकी ये क्लिपिंग देखिए। अभी आपको एक बहुत मजे की चीज दिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई पूरी गाड़ी में। आप ये देख रहे हैं ये फ्यूल कैप है, फ्यूल फिल्टर है। और इसका क्लिप देखें। नॉर्मली पाकिस्तान की महंगी गाड़ियों में भी हमें नजर नहीं आता, जैसे आल्टो है, महंगी गाड़ियां हैं सर, बहुत महंगी है। मुझ जैसा आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता 40 लाख रुपए का 4 पहियों का रक्षा। और आपको दिखाते हैं इंटीरियर की कुछ चीजें। अफान इसको भाई इंटीरियर की कुछ चीजें जो हम लोगों ने थोड़ी सी दी है, सीटें वगैरह बनने के लिए। सीटें भी इसके ओरिजिनल कवर पे हैं, बस फॉर्म खराब हो गया। और ये भाई जो है ना ये शब्द जो है ठोकम ठाकी में लगा हुआ है। आपको दरवाजे भी, हाँ दरवाजे की जो भाई कंडीशन देखे, चादर बनी है भाई यहाँ पे। हाँ भाई दरवाजे भी जो है नीचे से किनारियां हैं इसकी जो खराब हुई है, मगर सारे दरवाजों की नहीं है। अब पीछे वाला देखिए नहीं है, ये सिर्फ डेंट हुआ है सही है। और आप ये देख रहे हैं पहले का हिसाब किताब देखें, मुझे फर्स्ट टाइम एक टाइम खराबर हुई है और अभी इसमें सिर्फ टचिंग होगी। आए भाई ये सीने दरवाजे पे भी आप देख सकते हैं अभी अंदर। और जो बाकी के दरवाजे हैं वो मैं आपको दिखा, एक दरवाजा गाड़ी में लगा हुआ है, गाड़ी में एक दरवाजा लगा हुआ है, और ये तीसरा दरवाजा है। तो पॉलीगेट का तो सवाल ही नहीं, सीन ही नहीं है भाई। पॉलीगेट वाला गाड़ी में मजा ही तब आता है जब पॉलीगेट ना हो और गाड़ी हो कड़क। तो ये था इसका वर्किंग एरिया और इसके इंटीरियर की जो चीजें हैं बाकी की, वो भी जो चीजें काफी ज्यादा इधर उधर हुई है। तो जो चीजें अभी हम दिखा सकते हैं आप लोगों को इंटीरियर की, वो मजे चीजें दिखाते हैं और चलते हैं। वैसे भी कहाँ चलना है भाई? आगे चलते हैं। और मजे की बात आपको ये भी बता दूं, रास्ते में थोड़ी सी दूरी है, कि इसका जब मैंने कार्पेट खुलवाया जो कि अभी वॉश होके मेरे घर पे पड़ा है, उसके नीचे एक नमदा आता है। चारों पायदान के नमदे मुझे प्रॉपरली एग्जैक्टली अपनी जगह पे मिले, कोई खराब नहीं हुए हुए थे। क्योंकि अंकल का थैंक्स मैं अभी फिर से कर रहा हूँ कि अंकल ने 1500 से ज्यादा आज तक खर्च नहीं किए थे 10 साल में। तो 1500 रुपए कम खर्चे की वजह से जो है इतनी चीजें मिल गई, जिसमें बहुत सारे खर्चे मेरे बचा लिए। अच्छा जी, तो अब आ गए सीट्स पे और इसकी सीट्स चेक करते हैं भाई, क्या काम है इनकी सीट्स में। भाई ये देखिए ये सीट्स आई हैं बाहर ना, ये देख सकते हैं, ये सीट्स बाहर आई हैं, बहुत जबरदस्त यार। और ये फोमिंग देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जाहिर जाता है ये फोम तो हटा के अगर दूसरा फोम लगाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो हम इसको, क्योंकि दब गए, बहुत यूज हुए 91 से आज तक यूज ही हो रहे थे, तो अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं किया था, तो हम इसकी फोमिंग करवा रहे हैं। फोमिंग की लेयर बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, लोग बैठ के जमीन में ना धसे। बिल्कुल। और इसके ओरिजिनल शनील के जो कवर हैं वो थोड़े से फैट हो गए, उनका कोशिश करेंगे कि रंग के जो एक ही फैट हुआ हुआ है पीछे वाली बैक सीट का, तो उसे कलर मैच कर दें। और किसी भाई ने पता नहीं सिगरेट इतनी खतरनाक तरीके से पीती कि इतना बड़ा होल अंदर तक हो गया था ड्राइविंग सीट पे, तो वो रफू हो गया थोड़ा सा, वो मेहनत है। क्योंकि ओरिजिनल कवर को तो वैसे तो इंटीरियर वाले ने बोला था फेंक दो, मगर क्यों फेंक दो? अब ओरिजिनल मैंने सबसे ज्यादा श्रीलंका में ये गाड़ियाँ, मलेशिया में बहुत हैं, मगर मैंने ओरिजिनल इंटीरियर को सिर्फ आज तक नेट पे भी 2 या 3 गाड़ियाँ देखी है जिसके सीट कवर अपने हो। तो रिस्टोर कर रहा हूँ मैं इसको आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह। दिन कितने लगेंगे इसमें टाइम यार? अभी ये ईद के तकरीबन 10-15 दिन लगेंगे। ईद के बाद भी चीजें खुल के चली गई हैं अपनी जगहों पे, तो ये डेंटर जब कंप्लीट करेगा तो फिर जाहिर से पेंटर और वायरिंग वाला, क्योंकि अभी खुली हुई हालत पे जो काम वायरिंग के और जो कुछ हो सकते हैं, छोटा सा मैकेनिकल एक दो काम है जिसपे इसके जो बूट है एक्सेल के वो फटे हुए, क्योंकि 1.5 साल पहले मैंने जब ली थे तब डाले थे, और वो भी मजे की बात है ओरिजिनल है। अच्छा, इस की गाड़ी में चीजें ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि इसमें प्लाजा में एक दुकान है जो इसका आपको सारा सामान नया देता है। वो इसकी टिकली जो है ना, उसके नंबर से आपको स्पेयर पार्ट्स देता है। वो सारे ओरिजिनल जापानीज मिलेंगे आपको, और बहुत सस्ते मिलते हैं। लोग कहते हैं महंगे, मगर मुझे महंगे नहीं लगे, ओरिजिनल और नए। तो अगर ओरिजिनल और नए मुझे डिस्के 10,000 रुपए की दो मिल रही हैं, और वही मुझे इंडस करोला की 15,000 रुपए की शेरशाह से मिल रही हैं, तो भाई सस्ती गाड़ी कौन सी होगी? यही होगी। और ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो करोला से कहीं ज्यादा है। वो कैसे? आपको पता होगा कि निसान पेट्रोल और लैंड क्रूजर के बारे में लोग बहुत ज्यादा कंपेरिजन करते हैं। पेट्रोल की वीडियो देखी है? नहीं देखी तो जाके देख लो, पेट्रोल की वीडियो कर दी है आपके भाई ने। और पेट्रोल अरबों को पसंद ही इसीलिए है कि वो ड्यूरेबल ज्यादा है। उसमें पेट्रोल बताया था मैंने भी, और उसके फंक्शन जो है क्रूजर से ज्यादा है। क्रूजर इसलिए अरब या इंडो पाक या दूसरे लोग रखते हैं क्योंकि वो इजी टू उनको लगता है मेंटेन है, क्योंकि उसमें फंक्शंस कम होते हैं। अब आपने इतना महंगी गाड़ी लेनी हो, फंक्शन ना हो तो यार मजा नहीं आता। मजा पेट्रोल का तो खैर अलग ही क्लास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लैंड क्रूजर या आप टोयोटा की एस कंपेयर नहीं कर सकते। इन्फिनिटी की भी करी है, इन्फिनिटी थोड़ी सी प्रीमियम क्लास में आती है, निसान की है। पेट्रोल आपकी जो है थोड़ा सा लॉन्डर टच में आती है। और वैद भाई को दोबारा कुछ बताना याद आ गया गाड़ी का या तो कुछ दिख रहा है? अच्छा, बड़े मजे की बात है, लोगों को नहीं पता इसका जो AC है वो उसका भी एक ECU कार्ड आता है। AC का भी ECU कार्ड आता है। वो कार्ड जहाँ ऑन है इसका, AC ऑन करा रहे हैं, क्योंकि AC ऑन कराने में क्योंकि सेंडन का कंप्रेसर वगैरह है, और AC के ऊपर भी हम इसी वजह से थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि AC का ECU कार्ड जो है वो हमें थोड़ा सा लेट पता चला कहाँ है, लेट पता चला। और मगर है ब्रांड न्यू। आप ये देखें, निकली ही नहीं होगी ना, मतलब जापान में ही लगा के दी थी ये। तो भाई सीन बड़े नो डाउट बहुत आप वायरिंग का भी आपको एक और सीन मुझे भी अभी नजर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होती है गाड़ी को रिस्टोर करना मसला नहीं है, गाड़ी अच्छी निकालना बड़ा मसला। ये देख रहे हैं, ये डिग्गी की ग्रिप जा रही है। वो जो कहते हैं ना ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग, बिल्कुल दिस इज द थिंग, ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग। कोई एक जगह घुसा है वायरिंग के अंदर, वो ये सीट बेल्टों के लिए कभी घुसा होगा तो देखिए हमारे पाकिस्तानी इंजीनियरों का काम। आपको पूरी गाड़ी के अंदर अलग नजर आ रही होगी घर की वायरिंग। तो अच्छा ये है पाकिस्तानियों क्या करते हो तुम? अब ये देखिए साउंड प्रूफिंग के लिए जापानीज ने क्या क्या किया हुआ है। और ये देखिए गत्ते को होल्ड करने के लिए। नहीं नो डाउट गाड़ी तो अभी भी बहुत मजेदार है जो है, मुझे अभी नजर आई है। खैर ये इतनी देखेंगे कि क्या है इसको, अगर कोई से हमें मिल जाए डोनेटर कोई गाड़ी, सॉरी कोई डोनेटर गाड़ी मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डोनेटर गाड़ी से करवा लें चेंज, वरना तो डेफिनेटली ये कोई इतना खास गया हुआ नहीं है तो ये रिपेयर ही होगा। ये चीज़ें होती हैं जो हमारे लोग जो है, अगर अंकल 1500 से थोड़े से ज्यादा खर्च कर देते तो हमारी गाड़ी ऐसी ना मिलती है। तो ये है चीजें। चले ठीक है भाई, फिर इसकी जो है इंशाल्लाह जो फाइनल वीडियो होगी ना, कोशिश करूंगा कि इसकी 1-2 और एपिसोड निकालूं। फर्स्ट एपिसोड ये होगी हमारा, फिर काम हो रहा होगा इंटीरियर की जब चीजें आ जाएंगी। हम आपको एक वीडियो बड़े मजे की दिखाएंगे, इंटीरियर की चीजें बताएंगे जी। हम बड़े मजे की वीडियो दिखाएंगे। हम ईद के बीच के अंदर हम वो कोई काम कर रहे होंगे तो अफान को भी उधर एंगेज कर लेंगे, जब हम इसका इंटीरियर की धुलाई कर रहे होंगे, जो हमारे तो खुल के घर पे गया हुआ है, घर पे जो धुलाई, और हम उसकी जो उस पर मेहनत कर रहे होंगे, लोगों को फिर पता चलेगा कि ये कैसे हो। तो भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके मैक्सिमम एपिसोड निकालूं और मैक्सिमम चीजें आपको बताऊं, और जितनी रिस्टोरेशन आपको ज्यादा से ज्यादा दिखा सकता हूँ उतनी दिखाऊं, क्योंकि यार ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने काफी वेट करा है और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। और इसका एंटीना भी अगर देखोगे ना तो भाई मजा आ जाता है। इसके साथ मुझे दे इजाजत, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।